क्वेश्चन एट है स्टूडेंट, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ऑल वर्टिसेज सर्किल पर लाए हैं, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है ना। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है, और ए इतना है और सी इतना है, तो इस तरह से एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब बी प्लस डी 180 होगा, और बी इतना है डी इतना है, दोनों को प्लस करेंगे, है ना। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन ए बन गया। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, तो एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होता है। यहाँ पर मैंने किसको इक्वल किया, एक्स को इक्वल किया, और उसका साइन भी चेंज करना होता है। तो एक्स को इक्वल करके और फिर उसको उसका साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है, और इस तरह से वाई कितना आता है 25, और वाई का वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स कितना आता है -15, है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू जब हम यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, या फिर इसमें पुट करेंगे, सॉरी इसमें यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, तो दोनों का सम कितना आएगा 180। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।